जी नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, पैरालिसिस है जो कि एक वास्कुलर जो है डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम का। एक्चुअली पैरालिसिस जो है वो क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले जो है इसमें क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन होता है। हो सकता है एक एक मसल जो एक पार्ट है बॉडी का वो, या एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ मसल जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा जो हिस्सा डैमेज होता है पैरालिसिस में वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का होता है। और डैमेज जो है वो क्यों होता है, मोस्टली स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब ये होता है रप्चर कर सकती हैं ब्लड वेसल्स, और इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग जो है वो ब्लड वेसल्स में हो सकती है, जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया था। इसके अलावा पॉइजन जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है पोलियो वायरस से अगर वो बॉडी में है। तो जी पैरालिसिस क्या है, कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन है, उसमें वन और मोर ग्रुप ऑफ मसल काम करना छोड़ सकते हैं। कौन सा हिस्सा डैमेज होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं। डैमेज क्यों होते हैं जी, स्ट्रोक हो सकता है यानी रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल, पॉइजन्स प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरस। इसके बाद जो है कैटेगरी देखी जाती है कि वीक पैरालिसिस भी हो सकता है बॉडी में, और यानी थ्रू आउट बॉडी जो है वो वीक पैरालाइज कर सकता है पेशेंट। और कभी कभी सीवियर फॉर्म में ऐसे होता है कि वन साइड ऑफ द बॉडी जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है। और कभी कभी पैरालिसिस जो है वो लोअर लिम्स में यानी टांगों में जो है वहाँ पर भी हो सकती है। मोस्टली जो है वो वन साइड ऑफ द बॉडी या फिर क्या होता है लोअर लिम्स में पाई जाती है। तो ये है वास्कुलर डिसऑर्डर की एग्जाम्पल जो आपके साथ डिस्कस की गई है।